हेलो दोस्तों, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड। एंड अभी मानसून चल रहा है तो उम्मीद है कि आप मानसून को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ में हमें स्किन का केयर भी करना है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि मानसून से हमें कौन कौन सी स्किन में जो है वो चेंजेस हो सकते हैं और साथ साथ में स्किन का हमें कैसे केयर करना है, स्किन का केयर अच्छे से करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तव में जो हमारा मानसून होता है या फिर अगर हमारी स्किन ज़्यादा भीग जाती है, स्किन ज़्यादा गीली हो जाती है तो कौन कौन सी स्किन में चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो स्किन होता है कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। देखिए, हमारी स्किन के अंदर कुछ बैरियर मैकेनिज्म होते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ भी अनवांटेड चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाती है। तो बैरियर बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर, सेकंड होता है उसको बोलते हैं ऑयल का बैरियर। तो जो फिजिकल बैरियर होता है हमारी स्किन के अंदर बेसिकली वो डेड स्किन की वजह से होता है, और आपस में जो स्किन होती है काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड होती है, जिससे क्या होता है कि आपके स्किन में हर कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती। साथ साथ में हमारे स्किन के अंदर एक छोटी सी एक ऑयल की लेयर होती है, उससे क्या होता है कि हमारे स्किन है वो अच्छे से प्रोटेक्टेड होता है और स्किन हमारा हेल्दी बिल्कुल नजर आता है। लेकिन जब हमारे स्किन के अंदर ज्यादा स्वेटिंग होती है या फिर हमारे स्किन में ज्यादा कह सकते हैं कि वेट होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो फिजिकल बैरियर होता है प्लस ये ऑयल बैरियर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा स्किन ज्यादा कह सकते हैं कि डैमेज होने का चांसेस रहता है। अब हमारा स्किन होता है उतना अच्छा प्रोटेक्टेड नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं। कॉमनली कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं? स्काल्प इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको बोलते हैं फोलिकुलाइटिस। हमारे स्किन पे बड़े बड़े बॉइल्स हो सकते हैं, ओके, वो किसी भी हेयर एरिया पे होने के चांसेस रहते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम जिस थाई पे होते हैं, बटक्स पे होने के चांसेस रहते हैं, जहाँ पे क्या कि स्किन बैरियर भी होता है, साथ साथ में प्रेशर भी होता है और फ्रिक्शन भी होता है, और हम स्किन को केयर भी नहीं कर पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में बॉयल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकंड होता है एक्ने वाला पार्ट। ऑब्वियसली हमने देखा कि काफी लोगों को एक्ने ज्यादा होते हैं, जो लोग एक्ने प्रोन होते हैं तो ऑब्वियसली इनिशियल स्टेज के अंदर क्या होता है कि उनके पिंपल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जैसे मानसून स्टार्ट होता है एकदम से आपके पिंपल्स बड़े होना शुरू होते हैं, स्किन रेड होना शुरू होता है, साथ साथ में पस वाले जो दाने आपके वो स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक और कंडीशन होती है जो कि काफी कॉमन होती है, स्मेली अंडरआर्म्स। हमें लगता है कि डॉक्टर मुझे ज्यादा स्मेल आ रहा है, ओके, तो ये भी बेसिकली आपका बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। तो होता क्या है, जैसे एग्जांपल हमारा जो स्वेट होता है ना, उसमें तो कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन कहीं पे लग जैसे कि आप फोल्डेड एरिया है जहां पे ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है वहां पे कुछ दूसरे बैक्टीरिया होते हैं कि वो हमारे स्किन के अंदर जो स्वेट रहता है उस पर एक्ट करके वो आपके स्मेली मटेरियल बनाते हैं, ओके। तो जनरली स्वेट होता है वो बिल्कुल भी आपका जो है वो स्मेली नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम होने के चांसेस रहता है। सेकंड है कि फंगल इन्फेक्शन। बिल्कुल हम जानते हैं कि हमारे इंडियन स्किन के अंदर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। एक तो समर से हम निकले हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी स्किन थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होता है, ओके, क्योंकि ऑलरेडी स्वेटी होता है। और सेकंड, फंगल इन्फेक्शन काफी कॉमन होता है स्पेशली फोल्डेड एरिया के अंदर, ओके, जहां कह सकते हैं कि आपका अंडरआर्म एरिया या फिर थाई के एरिया प्राइवेट पार्ट के आसपास जो है फंगल होने के चांसेस ज्यादा होता है। एक चीज को भूल जाते हैं वो है कि नेल फंगल। देखिए, हमारे घर के अंदर काफी लोग हैं जो हमेशा पानी के साथ में काम करते रहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो एरिया होता है उतना अच्छा नहीं होता है, और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो फंगल का इन्फेक्शन होने के चांसेस रहता है। ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं बेसिकली फंगल का इन्फेक्शन का है, क्योंकि अब बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली स्किन का फंगल हो चाहे आपका नेल का फंगल हो, होने के चांसेस ज्यादा होता है। थर्ड पार्ट होता है वह इंसेक्ट रिएक्शंस। बेसिकली क्या होता है कि हमारे स्किन में इंसेक्ट बाइट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग या इवनिंग में घूमते हैं तो काफी ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, ओके, इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे स्किन में टच में आ सकते हैं, और उसके बाद में अगर वो बाइट कर सकते हैं तो बाइट करने के बाद हमारी स्किन के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों में क्या होता है कि अगर आपका एक भी इंसेक्ट काटता है, चाहे वो मॉस्किटो बाइट हो या फिर कोई भी इंसेक्ट बाइट हो, तो उनको मल्टीपल लीजन होने के चांसेस रहते हैं। जैसे इस बच्चों को देखिए आप, है ना, इसके मल्टीपल लीजन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसको हम रिएक्शनल पार्ट बोलते हैं। एक और कंडीशन काफी कॉमन होती है बारिश में, वो होती है आपका पीडरस डर्मेटाइटिस। ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं बेसिकली इसको बोलते हैं पीडरस डर्मेटाइटिस, और इसमें क्या होता है कि आपका जो एक छोटा सा कीड़ा होता है, ये हल्का सा देख रहा है फोटोग्राफ, ये हल्का सा रेड एंड ब्लैक कलर का हल्का सा कीड़ा होता है, और इस बग की वजह से क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर अगर कहीं भी क्रश कर जाता है तो इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से उस केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे स्किन के अंदर रेशेज हो सकते हैं। तो ये बेसिकली बग काटता नहीं है इतना, ये क्रश होने के बाद में इस तरह का होना है, और मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है जहाँ किसिंग स्किन होती है वहाँ पे वो होने का चांसेस रहता है, राइट। ये कुछ कॉमन कंडीशंस होते हैं जो हमारे कह सकते हैं कि बारिश में होने का चांसेस रहता है। अब बात करते हैं स्किन रेशेज के बारे में। ऑब्वियसली बारिश के टाइम स्किन रेशेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपका स्किन ज़्यादा प्रोन है, आपका स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उस कंडीशन में आपको डेफिनेटली ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ओके। इस कंडीशन को बोलते हैं एट्रोपिक डर्मेटाइटिस। ये जो है वो काफ़ी बच्चों में कॉमन होता है, और कह सकते हैं कि 11 से 12 के आसपास जब एज होता है आपके बच्चे का, तो डेफिनेटली ये रेशेज वगैरह वो कम होने के चांसेस रहते हैं, ओके। तो अगर आपको एट्रोपिक डर्मेटाइटिस है तो ऑब्वियसली आपको रेशेज होने के चांसेस ज़्यादा होता है। सेकेंड होता है उसको बोलते हैं हम ड्राई एक्जिमा। देखिए, ड्राई एक्जिमा बेसिकली आपके स्किन के अंदर अगेन लाइक आपके स्किन के अंदर हल्का सा जो ऑयल बैरियर होता है उसकी मात्रा कुछ कम हो सकती है, या हम बार बार हैंड वॉश करते हैं या फिर कोई दूसरा काम करते हैं जिससे हमारी स्किन डैमेज होने के चांसेस रहता है। तो सबसे पहले आपका ड्राई एक्जिमा होता है। तो ड्राई एक्जिमा आपका इसके बारिश के बाद में भी होने के चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें बैरियर भी आपका खराब हो रहा है। और अगर आपकी स्किन ज़्यादा प्रोन है, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपको स्किन के अंदर हमेशा डैमेज होता है, तो ऑब्वियसली आपको तो ज़्यादा प्रोटेक्टेड होना पड़ेगा, ओके। नहीं तो आपके स्किन में जहाँ जहाँ आपका ज़्यादा फ्रिक्शन का पार्ट है वहाँ पर रेशेज होने के चांसेस रहता है, और घमोरिया भी काफ़ी होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, ओके, क्योंकि बैक्टीरियम क्या होता है, जैसे आपका स्किन ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है
तो उसमें ये सारी चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलो बात करते हैं कि हम स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो देखिए, स्किन का जो प्रोटेक्शन का पार्ट है, मान के चलिए कि बारिश से एटलीस्ट 15-20 डेज पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपके स्किन पे कोई भी रेशेज वगैरह है, कोई भी लगता है कि आपको पिंपल्स वगैरह है, तो उसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में लेना पड़ेगा। सेकेंड है कि अगर आपको कोई डिफिशियंसी है, लगता है कोई डायबिटीज वगैरह है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों के अंदर डायबिटीज़ होता है, या फिर जिन लोगों के अंदर कुछ इम्यूनिटी का डिफिशियंसी वाला पार्ट होता है, या फिर कुछ कमी होती है बॉडी के अंदर, तो उन लोगों में इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे बॉडी को बिल्कुल हेल्दी करना है, ठीक करना है सबसे पहले। हाँ, एक और चीज़, अगर फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि हम समर्स में रहते हैं तो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो आपकी स्किन को अच्छे से हेल्दी बना लीजिए। इन जनरल यू कैन यूज़ अ काइंड ऑफ ए गुड पाउडर इन द डे टाइम, और कुछ क्रीम्स वगैरह, एंटी फंगल क्रीम्स वगैरह होती है, दैट यू कैन यूज इन द इवनिंग, अगर आपको स्किन में बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो। अगर आप ओबेज हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा वजन कम करने की कोशिश कीजिए, ओके। और स्किन को हाइड्रेट रखिए, साथ साथ में स्किन को ड्राई भी रखना है। हाइड्रेट का मतलब है कि स्किन के अंदर वी हैव टू यूज़ मॉइस्चराइजर, और जो फोल्डेड एरिया है वहाँ पर आपको पाउडर लगाना, ताकि ये सारी चीज़ें नहीं हो, ओके। एक्सेसिव हेयर वगैरह है, यू कैन गो फॉर द LHR, लेजर रिडक्शन का प्लान कर सकते हैं आप, या फिर आपने हेयर को थोड़ा छोटा रख सकते हैं। शेव नहीं करना है, अदरवाइज शेव करने से आपके फोलिकुलाइटिस या फिर बॉयल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये था आपके स्किन का केयर का पार्ट।